तो किसकी होगी दिल्ली? दिल्ली में चुनावी रणभेरी बजने के बाद अब सियासी पारा चढ़ चुका है और सभी पार्टियां जीत के लिए सियासी बिछात बिछाने में जुटी हुई हैं। और इसी कड़ी में हम आपको अतीत में ले चलते हैं और दिखाते हैं 1998 और 2003 के दिल्ली चुनावों में मिली जीत के बाद भी शीला दीक्षित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2008 की चुनावी बाजी भी कांग्रेस ने जीत ली, तब शीला दीक्षित के नाम रिकॉर्ड दर्ज हो गया। 8 दिसंबर 2008, ये वो तारीख थी जब दिल्ली में कांग्रेस सत्ता की ऐतिहासिक हैट्रिक लगा चुकी थी और इसका श्रेय एक बार फिर दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मिला। शीला दीक्षित ने 10 साल के शासन के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी की लहर को सफलता के साथ रोका था। वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के वादे के साथ मैदान में उतरी थी और उनके वादे पर दिल्ली की जनता ने एतबार भी किया। शीला जी ने अपने काम के बल पर एक हैट्रिक बनाई, तीसरी बार चुनाव जीती। ये अलग बात है कि वो चौथी बार हार गई और बुरी तरह से हार गई। 1998 और 2003 के दिल्ली चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस के लिए 2008 का विधानसभा चुनाव एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और इसमें पार्टी ने सफलता हासिल की। बीजेपी के लिए दिल्ली की गद्दी एक बार फिर दूर की कौड़ी साबित हुई। विजय कुमार मल्होत्रा को सीएम इन वेटिंग घोषित किया गया और उनकी वेटिंग खत्म नहीं हो सकी। दूसरी ओर शीला दीक्षित ने खुद के नाम पर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया। वो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाली देश की प्रथम महिला बनी। 29 नवंबर 2008 को दिल्ली की चौथी विधानसभा के लिए चुनाव हुआ और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती हुई। जो नतीजे आए वो बीजेपी को मायूस करने वाले थे। कांग्रेस को 43 सीटों पर विजय मिली और बीजेपी को 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता खोलते हुए बीएसपी ने 2 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 40.31, बीजेपी को 36.34% वोट मिले, जबकि बीएसपी के खाते में 14.04% वोट आए। 2008 में दिल्ली की 69 सीटों पर ही चुनाव हुआ था क्योंकि बीजेपी के एक उम्मीदवार का निधन हो गया था। बाद में राजेंद्र नगर की इस सीट से कांग्रेस के रमाकांत गोस्वामी ने जीत हासिल की। 2008 के चुनाव में कांग्रेस का एक ही मुद्दा था, दिल्ली के विकास का, और कांग्रेस के पास बताने के लिए उपलब्धियों की एक फेहरिस्त थी। चौमुखी विकास हुआ, ये नहीं हुआ कि एक ही डायरेक्शन में हम काम करते रहे। नए हॉस्पिटल भी बने, यूनिवर्सिटी भी बनी, कॉलेज भी बने, स्कूल भी बने, सोशल वेलफेयर स्कीम भी आई और अनऑथराइज कॉलोनी में काम हुआ, जे क्लस्टर में काम हुआ। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल में रखा और जो फ्लीट लाए बसों की वो भी इसी हिसाब से लाए और एक सर्टिफिकेट मिला उस समय की सरकार को कि आपने पोल्यूशन पे कंट्रोल किया। दिल्ली में शीला के शासन में फ्लाईओवर, मेट्रो और सड़कों का जाल बिछाया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी थी और जनता को विकास होता नजर आ रहा था और कांग्रेस को जीत की इबारत नजर आने लगी थी। शीला जी के 15 साल के शासन काल में जो आप कह सकते हैं कि एक तो मेट्रो का जाल यानी ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी सुगम हुआ और साथ साथ में उस समय जो ये जो फ्लाईओवर का जो जाल बिछा चारों तरफ, उससे मतलब दिल्ली निवासियों को काफ़ी आराम मिला। और इसमें कोई शक नहीं कि ये शीला जी की इफिशेंसी को इसका क्रेडिट हमें देना चाहिए, उनकी मजी हुई लीडरशिप को इसका क्रेडिट हमें देना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी की हालत इस बार भी खराब थी। हालांकि बीजेपी के पास महंगी बिजली का मुद्दा था, लेकिन बीजेपी इसे कारगर तरीके से उठा नहीं सकी। बीजेपी के संगठन की आपसी फूट ने भी उसके खेल को बिगाड़ दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को सीएम प्रोजेक्ट किए जाने की उम्मीद थी। विजय गोयल भी हाथ पैर मार रहे थे, अरुण जेटली का नाम भी उछाला गया, लेकिन पार्टी ने विजय कुमार मल्होत्रा पर ही दांव लगाने का फैसला किया। चुनाव 29 नवंबर को और 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी अटैक हो गया। बीजेपी ने आतंकवादी हमले को रोकने में नाकामी के लिए केंद्र की यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन दिल्ली चुनाव में बीजेपी को उसका फायदा नहीं मिला।
2008 के चुनाव में बीजेपी की रणनीति फेल नजर आई। शीला दीक्षित ने विपक्ष की सत्ता विरोधी लहर पैदा करने की कोशिशों को बेदम कर दिया था और दिल्ली में कांग्रेस ऐतिहासिक हैट्रिक लगाने में कामयाब हुई। देखिए 15 साल शीला दीक्षित ने सरकार चलाई और बहुत अच्छी सरकार चलाई। जो बीजेपी की फैमिलीज थी वो भी वोट करती थी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस को नहीं शीला दीक्षित को। एक इमेज बन गई थी आंटी की और एक परफॉर्मर की, बहुत दिल्ली में काम हुआ। इन चुनावों से पहले लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। नए परिसीमन के बाद शीला दीक्षित ने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदला, लेकिन उनकी जीत का सिलसिला बरकरार रहा। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी शीला ने बीजेपी के विजय ज्वाली को 14,078 वोटों से हराया। 2003 की तुलना में 2008 में कांग्रेस की सीटें कम जरूर हो गई थी, लेकिन कांग्रेस लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही और शीला दीक्षित का सियासी पद पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा हो गया था। टी न्यूज़ नेशन।